Hello students, now welcome to you in your SST class and we are going to start our post-midterm syllabus with chapter The Age of Farming related to history. Firstly, we have discussed about the key terms of this chapter and the first key term is burial. Burial kise kehte hain? A grave. Grave means kabr, jahan par mare huye aadmi ko dafnaya jata hai, use hum grave kehte hain. Eaten, एनी ऑब्जेक्ट मेड ऑफ बेक्ड क्ले, मिट्टी को पकाकर जो बर्तन बनाया जाता है या ऑब्जेक्ट बनाया जाता है उसको हम ईटर्न कहते हैं. हैबिटेशन, हैबिटेशन वह प्लेस होता है जहाँ पर पीपल्स लीव करते हैं, रहते हैं. हर्ज, हर्ट द फ्लोर एट द बॉटम ऑफ द फायर प्लेस, वह तल जहाँ पर फायर प्लेस होता है उसको हम हर्ट कहते हैं. मॉर्टर, ए स्मॉल हार्ड बाउल, एक छोटा सख्त बाउल इन विच वी क्रश सब्सटेंसेस, जिसमें हम सब्सटेंसेस को, पदार्थों को क्रश करते हैं. नोमाड्स, ए पर्सन हु मूव्स विद हिज बिलोंगिंग्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, नोमाड्स वो पीपल्स होते हैं जो अपने ग्रुप के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते हैं. वेसल, वेसल क्या होता है? एक कंटेनर, एक बर्तन जिसमें लिक्विड को होल्ड किया जाता है, जिसमें लिक्विड को रखा जाता है, उसे हम वेसल्स कहते हैं. नाउ दीज आर योर की टर्म्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर्स नाउ, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. एज वी नो ह्यूमन बींग्स लिव्ड इन नोमैडिक लाइफ, हम जानते हैं, इतना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो आदि मानव थे वो एक नोमैडिक जीवन जीते थे. नोमैडिक प्लेस मीन्स नोमैडिक लाइफ क्या होती है, जिसमें आदि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते थे. मींस वो एक सेटल्ड लाइफ में बिलीव नहीं करते थे, जंगलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते थे. और यह लाइफ वो कब जीते थे? थाउजेंड्स ईयर्स पहले. लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, उनके लाइफ स्टाइल्स में परिवर्तन आते चले गए. एट द टाइम, थाउजेंड ईयर्स पहले, दे वर हंटर एंड गैदर्स, वो हंटर्स थे, शिकारी थे, एनिमल्स का शिकार किया करते थे, और गैदरर्स और उनको कलेक्ट किया करते थे, फूड्स को कलेक्ट किया करते थे, प्लांट्स जो फॉरेस्ट में जंगलों में फल होते थे उनको गैदरर्स किया करते थे अपने खाने के लिए. तो इस कारण से जो उनकी लाइफ थी उनको हंटरर्स और गैदरर्स के रूप में जाना जाता था. ड्यूरिंग द न्यू स्टोन एज, लेकिन जैसे जैसे नवपाषाण काल आया, उसी को हम न्यूलैथिक एज भी कहते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 10,000 years के करीब माना जाता है. Early humans begins to produce, इस एज में, Neolithic एज में उन्होंने उत्पादन शुरू किया, प्रोड्यूस शुरू किया their own food, अपने भोजन का, उन्होंने भोजन का उत्पादन शुरू किया, एंड धीरे धीरे एक सेटल्ड लाइफ की ओर वो अचीव करने लगे. मीन्स उन्होंने एक सेटल्ड लाइफ में अपने आप को सेटल्ड करना शुरू कर दिया. चेंजेस इन क्लाइमेट, जैसे जैसे क्लाइमेट का चेंज हुआ उसके कारण क्या हुआ, एक नया रोल हमें देखने को मिला. ए लार्ज पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस, जो हमारी अर्थ सरफेस थी उसका जो बड़ा एरिया था, कवर्ड विद आइस शीट, वह आइस शीट से घिरा हुआ था इन द बिगिनिंग ऑफ न्यूलैथिक एज, न्यूलैथिक एज के प्रारंभ में. लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, यह आइस मेल्ट होने शुरू हो गई, जो एरिया कवर्ड था आइस से वह पिघलना शुरू हुई, और ये एरियाज जो बहुत ठंडे हुआ करते थे पहले, वो हैबिटेबल हो गए, रहने योग्य हो गए. वार्म क्लाइमेट वाज बेस्ट, जब वार्म क्लाइमेट परिवर्तित हुआ, मेल्टेड आइस हुई और उसके कारण वार्म क्लाइमेट परिवर्तित हुआ, वह बहुत अधिक सुइटेबल माना जाने लगा क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए एंड हैबिटेशन, रहने के लिए. एज अ रिजल्ट ड्राई एरियाज बिकेम ओपन, इस तरह से जो ड्राई एरियाज थे वे ओपन हो गए ग्रास लैंड्स के लिए, और घने जंगल वहां पर उत्पादित हो गए. जो ड्राई एरियाज थे वहां पर ग्रास लैंड, बड़े बड़े एरियाज में घास का उत्पादन हो गया और बड़े बड़े जंगल डेवलप होने शुरू हो गए. इस तरह से ग्रास लैंड्स एरियाज और घने जंगलों का डेवलपमेंट देखने को मिला. अब बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग, हम जानेंगे फार्मिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ, बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग कैसे हुई. एग्रीकल्चर वॉज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी, जो एग्रीकल्चर है, खेती है, उसको न्यूलैथिक एज की सबसे बड़ी डिस्कवरी माना जाता है. इस काल में अर्ली ह्यूमंस लर्न द टेक्निक्स, इस काल में अर्ली ह्यूमंस ने उन नई नई टेक्निक्स को सीखा, तकनीकों को सीखा, किस चीज की,
शोइंग शीट्स, बीज बोना, ग्रोइंग प्लांट्स, प्लांट्स उत्पादन एंड फाइनली हार्वेस्टिंग दैम, और लास्ट में उस प्रोडक्शन की कटाई करना। प्लांट्स के रूप में जो उन्होंने प्रोडक्शन किया उसकी कटाई को उन्होंने सीखा और उनकी नई नई तकनीक्स को डेवलप किया। दे मस्ट हैव लर्न दीज एक्सीडेंटली, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इन सब कार्यों को, मीन्स एग्रीकल्चर का जो कार्य था उन्होंने एक्सीडेंटली, किसी प्लानिंग के तहत नहीं बल्कि बाय चांस उन्होंने इसको सीखा था बाय ऑब्जर्विंग द प्लांट्स। उन्होंने जंगली प्लांट्स को उगते हुए देखा और उसी के तहत उन्होंने सीखा किस तरह से प्लांट्स ग्रो होते हैं। फिर उन्होंने फर्स्ट क्रॉप को कल्टिवेट किया, जंगली प्लांट्स को उगते हुए देखकर उन्हें सीख मिली कि क्रॉप्स को कल्टिवेट किया जा सकता है, और उन्होंने अपनी फर्स्ट क्रॉप की डेवलप की, कल्टिवेट की, किस रूप में, वीट और बार्ले के रूप में। अगर हम यहाँ पर वन वर्ड क्वेश्चन आस्क करें कि व्हाट इज द फर्स्ट क्रॉप कल्टिवेटेड बाय द अर्ली ह्यूमंस, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, इट विल बी वीट एंड बार्ले। तो आपको क्या करना है, चैप्टर रीड करते हुए इन चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि यहीं से आपके MCQs निकलते हैं। As time passed, जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, early humans began to grow more crops. Early humans ने ज़्यादा से ज़्यादा crops grow करनी शुरू कर दी, and इसी के कारण उनकी जो lifestyle थी वो भी परिवर्तित होना शुरू हो गई। Now they settled in one place. अब वो hunter gatherers नहीं थे, अब वो एक place पर settled हो गए थे और नई नई फसलों का उत्पादन करते थे। इस कारण से अब वो क्या कहलाते थे, food gatherers एंड फूड प्रोड्यूसर्स। अब उनका जो जीवन था एक फूड गैदरर्स के रूप में जाना जाता था और फूड प्रोड्यूसर्स के रूप में उनको माना जाता था। दे लेफ्ट देयर नोमैडिक लाइफ, इस कारण से उन्होंने अपनी नोमैडिक लाइफ, जो बंजारों जैसा जीवन था, उसको छोड़ दिया और एक स्थान पर सेटल्ड हो गए और नई नई फसलों का उत्पादन करने लगे, जिसके प्रभाव के कारण दे सेटल्ड डाउन एंड स्टार्टेड ए नॉर्मल लाइफ। वो एक प्लेस पर सेटल्ड होकर नॉर्मल लाइफ को जीवन के रूप में अपनाने लगे और रेगुलर फूड सप्लाई वहां पर देखी जाने लगी। दे मेड मड हाउसेस, उन्होंने रहने के लिए मिट्टी के घर बनाने शुरू किए नियर द फील्ड्स, उन खेतों के आसपास जहां पर वो अपनी फसलें उगाते थे, और वहीं पर वो सेटल्ड होना शुरू हो गए। दिस चेंज इन लाइफ स्टाइल, जो परिवर्तन हुआ उनकी लाइफ स्टाइल्स के रूप में, नॉट टेक प्लेस सडनली, यह एक अकस्मात घटना नहीं थी। मीन्स उन्होंने जो लाइफस्टाइल परिवर्तित किया यह एक लंबे प्रोसेस के बाद परिवर्तन आया था। इवन वाइल कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, जैसे जैसे उन्होंने फसलें उगाई, ह्यूमंस स्टिल हंटेड एंड गैदरर्स फूड, उन्होंने हंटल जो शिकार था उसको कम किया और फूड को कलेक्ट करना शुरू किया। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस, जो भूभौतिक शास्त्री हैं, आर्कोलॉजिस्ट हैं, उन्हें बहुत सारे प्रमाण मिले हैं इस चीज़ के कि किस तरह से फार्मर्स जो थे अपने हर्डर्स मीन्स होता है वो पशुओं का समूह जिसको खेती के लिए यूटिलाइज किया जाता है किसानों के द्वारा, तो उनको कलेक्ट किया गया। मीन्स फार्मर्स ने अपने यहाँ पर पशुपालन की शुरुआत की। All over subcontinents, the most important ones are northwest. इन continents में सबसे प्रमुख माना जाता है northwest area, जिसको हम आज के समय में कश्मीर के रूप में जानते हैं, and east in south india area, जहाँ पर पशुपालन किया जाता था। यहाँ पर नीचे एक लिस्ट दी गई है जहाँ पर ग्रेन्स का उत्पादन, कौन कौन से ग्रेन का उत्पादन किस साइट्स पर किया जाता था। यह आपको टेबल क्या करना है, आपको होमवर्क में भी दी गई है बुकलेट में, उसको आपको यहाँ से ड्रॉ करना है। यहाँ पर साइट्स बताई गई हैं कि वीट का उत्पादन किस साइट पर किया गया है, इसको आप यहाँ से रीड करेंगे और अपनी नोटबुक पर इसको मेंशन करेंगे। देन नेक्स्ट इज राइस एंड मिलेट्स एंड लेंटाइल्स एंड ब्लैक ग्राम, यहाँ पर इसी टेबल को आपको अपनी नोटबुक पर मेंशन करना है। सो वीडियो को ध्यान से सुनिए, जो जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उनको अपनी नोटबुक पर नोट करने के लिए आपको फॉलो करना है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। डोमेस्टिकेशन का मीनिंग होता है पशुपालन, जो एनिमल्स थे उनको अपने पास पालना, उनको देखरेख करना, उसी को हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं। ह्यूमंस ऑफ द न्यूलैथिक पीरियड, जो न्यूलैथिक काल के ह्यूमंस थे, स्टार्टेड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, तो एनिमल्स का पशुपालन न्यूलैथिक एज में शुरू हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि जो डॉग है उसको हम फर्स्ट एनिमल के रूप में जानते हैं जिसकी सबसे पहले
एनिमल्स के रूप में, पशुपालन के रूप में जानकारी प्राप्त हुई है। लेटर अदर एनिमल्स, उसके बाद डॉग के बाद अदर एनिमल्स जिनको पाला गया अर्ली ह्यूमंस के द्वारा, दीज आर गॉड्स शिप्स एंड एज ए रिजल्ट, इसी के कारण देयर वाज ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मिल्क, उन्होंने सीखा मिल्क का प्रोडक्शन, मिल्क का उत्पादन और मीट का यूटिलाइजेशन उन्होंने इन पशुपालन के द्वारा सीखा था। फिशिंग एंड हंटिंग ऑल्सो बिगेन, धीरे धीरे मछली का उत्पादन, मछली पालना जो होता है, फिशिंग का शिकार करना होता है, यह भी क्रिया शुरू हुई। सम एनिमल्स वर यूज इन एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन, पशुपालन के कारण उन्होंने सीखा कि किस तरह से हम एनिमल्स को यूज कर सकते हैं खेती के कार्यों के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के रूप में, यातायात के साधनों के रूप में हम उनको यूज कर सकते हैं, और इस कार्य के लिए भी उनका यूटिलाइजेशन किया जाने लगा। नाउ नेक्स्ट टेबल है आपकी यहाँ पर, इस टेबल में क्या दिया गया है, इसमें बोन्स, हड्डियाँ उन एनिमल्स की जो पाई जाती हैं एविडेंस के रूप में, और यहाँ पर साइट्स दी गई हैं, जैसे शिप गॉट एंड कैटल हैं, इनकी जो साइट्स है कहाँ पर इनकी हड्डियाँ प्राप्त हुई, मर्ग्र इन पाकिस्तान। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से रीड करनी है और अपनी बुक पर, अपनी नोटबुक पर इसको ड्रॉ करना है। आपको होमवर्क के रूप में बुकलेट में इस चीज़ को मेंशन किया गया है, तो यहाँ से आप इसको अपनी नोटबुक पर नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इन्वेंशन ऑफ व्हील, व्हील का आविष्कार। ड्यूरिंग द पीरियड द व्हील वॉज ऑल्सो इन्वेंटेड, इसी काल में व्हील का आविष्कार हुआ और इसी को सबसे प्रमुख इम्पोर्टेंट स्टेप के रूप में जाना जाता है अर्ली ह्यूमंस के डेवलपमेंट के लिए। लिटिल इज नॉन अबाउट हाउ द आइडिया व्हील्स ऑक्यूर्ड, लेकिन किस तरह से उनके माइंड में व्हील के आविष्कार की जानकारी आई, इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। परहैप्स ए रोलिंग लोग, ऐसा माना जाता है कि शायद उन्होंने एक पेड़ की कटिंग की और उसके रोलिंग जो लॉग थे उसके स्टोन को उन्होंने थिक किया, ऐसा माना जाता है कि उसके कारण से उनके माइंड में शायद इन्वेंशन ऑफ व्हील की जानकारी आई थी। ट्रैवल मोर इजीली, इस इन्वेंशन के कारण, व्हील के इन्वेंशन के कारण जो यातायात था वो बहुत आसान हो गया था। अब हैवी लोड्स को, जो भारी सामान होते थे, तेज गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता था, और धीरे धीरे इसी इन्वेंशन की सहायता से, व्हील के इन्वेंशन की सहायता से उन्होंने पॉटरी मेकिंग, बर्तनों के निर्माण की कला को भी सीखा था। तो इस तरह से एक सेटल ड्राइव के रूप में उन्होंने शुरुआत की थी, पशुपालन के द्वारा, खेती के उत्पादन के द्वारा, बर्तनों के उत्पादन के द्वारा, मिट्टी के बर्तन बनाने के द्वारा, एंड बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ। अब हम जानेंगे किस तरह से शुरुआत हुई थी एक सेटल्ड लाइफ की। जो भूगर्भ शास्त्री हैं, आर्कोलॉजिस्ट हैं, उन्हें बहुत सारे ट्रेस मिले हैं, मीन्स सबूत मिले हैं, प्रमाण मिले हैं उन हट्स के और हाउसेस के, कहाँ पर, बुरजॉम साइट्स पर, अर्ली ह्यूमंस बिल्ट। ऐसा माना जाता है, इस साइट्स के जो सबूत हैं उसके आधार पर माना जाता है कि जो उन्होंने हाउसेस का निर्माण किया था वो पिट हाउसेस के रूप में जाने जाते थे, एंड विच वर डग इन टू द ग्राउंड, ये हाउसेस जमीन के अंदर खोदे जाते थे, विद स्टेयर्स, इनमें स्टेयर्स और स्टाफ्स भी बनी हुई थी। दिस माइट बी फॉर प्रोटेक्शन फॉर कोल्ड वेदर, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जमीन के अंदर इस तरह के हाउसेज अपने आप को ठंडे वेदर से बचाने के लिए किए थे। आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो डिस्कवर्ड, आर्कोलॉजिस्ट ने ऐसी खोज की है कि वहाँ पर कुकिंग हट्स भी थे, बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड द हट्स। दिस शो दैट अकॉर्डिंग टू वेदर, ऐसा माना जाता है कि अकॉर्डिंग टू वेदर, अपने मौसम के अनुरूप वे अपने भोजन को कुक करते थे। अगर ज़्यादा ठंड होती थी तो वो घर के अंदर, और अगर ठंड कम होती थी तो घर के बाहर अपने भोजन को पकाते थे। इस कारण से जो बर्तन थे भोजन पकाने वाले, उनकी जो साइड्स हैं वो दोनों प्लेस पर मिलती हैं, इनसाइड द हाउस भी और आउटसाइड द हाउस भी। तो आपको इससे पता चलता है कि किस तरह से वो वेदर के अकॉर्डिंग अपने आप को सेटल्ड करना सीख चुके थे। न्यूलैथिक टूल्स, न्यूलैथिक टूल्स कौन कौन सी थी, उन्होंने धीरे धीरे नए नए टाइप्स की टूल्स का इन्वेंशन किया था, एंड न्यूलैथिक टूल्स आर नॉन एज मॉर्टर्स एंड पेस्टर्स, दीज वर टू इम्पोर्टेंट न्यूलैथिक टूल्स, ये दो प्रमुख टूल्स के रूप में जानी जाती हैं। दे वर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, इनका यूज जो किया जाता था वो ग्रेन्स के ग्राइंडिंग के लिए किया जाता था। न्यूलैथिक टूल्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम पैलोलैथिक टूल्स, जो पैलोलैथिक काल की टूल्स थी उनसे ये टूल्स बिल्कुल डिफरेंट थी। यहाँ पर पिक्चर में शो की गई हैं, डिफरेंस दिखाया गया है किस तरह से पैलोलैथिक टूल्स हैं और किस तरह की न्यूलैथिक टूल्स हैं। पिक्चर की सहायता से भी आप डिफरेंस को देख सकते हैं।
न्यूलैथिक टूल्स वर वेल पॉलिश्ड, जो विशेषताएं थी न्यूलैथिक टूल्स की वो क्या थी? न्यूलैथिक टूल्स वर वेल पॉलिश्ड विद ए फाइन कटिंग एज, जो उनके किनारे थे वो बहुत कटिंग एज के रूप में थे, शार्प थे। पैलोलिथिक टूल्स हाउएवर कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज, लेकिन पैलोलिथिक जो टूल्स थी उनका आविष्कार भी कंटिन्यू रहा इस न्यूलैथिक एज में। सम टूल्स वर ऑल्सो मेड, कुछ टूल्स ऐसे थे जिनको बोन्स हड्डियों की सहायता से डेवलप किया गया था। न्यूलैथिक टूल्स हैव बीन फाउंड इन बुर्जोम, न्यूलैथिक टूल्स जो हैं उनकी जो उपलब्धि हुई है, प्राप्ति हुई है, वो खुदाई के रूप में बुर्जोम साइट से प्राप्त हुई है। इसी को हम आज के रूप में कश्मीर के रूप में जानते हैं एंड मस्की के रूप में जानते हैं। ब्रह्मगिरी, नासिरपुर, ये सब प्लेसेस हैं एंड हुलोर इन कर्नाटका, यहाँ पर इस तरह के टूल्स को प्राप्त किया गया है खुदाई के द्वारा। पॉटरी, पॉटरी मेकिंग क्या थी? फार्मिंग गेव राइज टू पॉटरी मेकिंग, फार्मिंग के डेवलपमेंट के कारण पॉटरी मेकिंग का भी आविष्कार हुआ। दे स्टोर द ग्रेन्स इन लार्ज बास्केट, पहले वो अपने ग्रेन्स को एक लार्ज बास्केट में स्टोर करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि वो किस तरह से इनको ग्राउंड में डक करके भी रख सकते हैं। इसके कारण से उन्होंने क्या किया, जमीन पर गड्ढे बनाकर उसमें स्टोर करने का तकनीक सीखी। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स टिल द नेक्स्ट कल्टिवेशन सीजन, अब वो अपने ग्रेन्स को अगले सीजन्स तक, कल्टिवेशन के अगले सीजन्स तक स्टोर करके रख सकते थे, और इसके लिए उन्होंने अलग अलग टाइप्स के बर्तनों का निर्माण किया था। मैनी काइंड्स ऑफ ईटर्न पॉट्स, इनको हम ईटर्न पॉट्स कहते हैं जिनको यूज किया जाता था ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। देवर प्लेन, ये प्लेन थे, इनकी विशेषताएं क्या थी इन ईटर्न पॉट्स की? देवर प्लेन डिफरेंट इन कलर एंड हैड डेकोरेशंस ऑन देम, उसको वो डेकोरेट किया करते थे अपने अपने अकॉर्डिंग, जैसा उनको अच्छा लगता था उसके अकॉर्डिंग वो उनको डेकोरेट भी किया करते थे। लाइफ ऑफ द पीपल, हम जानेंगे उनके लाइफ स्टाइल्स के बारे में। उससे पहले हम देखते हैं जैसे जैसे पॉटरी मेकिंग उन्होंने सीखी, उसके बाद उन्होंने एक नया इन्वेंशन सीखा था क्लॉथ मेकिंग का। यहाँ पर दे वेव क्लोथ्स, वे कपड़ों का निर्माण किया करते थे यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, अलग अलग तरह के मटेरियल्स को यूज करके। सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुआ था क्लोथ मेकिंग का वो कॉटन का हुआ था, कॉटन के कपड़ों का निर्माण सबसे पहले उन्होंने सीखा था। लाइफ ऑफ द पीपल, उस समय के पीपल्स का जीवन कैसा था? देयर इज नो डायरेक्ट आर्कोलॉजिकल एविडेंस, यहाँ पर कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है अबाउट द कस्टम्स एंड प्रैक्टिस, उनके रीति रिवाजों के बारे में। एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडीज, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपने अध्ययन के द्वारा बताया है कि वो प्रैक्टिस सिंपल एग्रीकल्चर, वो सिंपल एग्रीकल्चर को यूज किया करते थे एंड दे मेड इंफेरेंसेस दैट दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव्ड इन ग्रुप्स, उन्होंने ही बताया कि ये लोग एक ग्रुप में रहा करते थे जिनको उस समय में ट्राइब्स कहा जाता था। द एल्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वॉज द लीडर, उन ट्राइब्स में जो सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल होता था उसी को उनका लीडर घोषित किया जाता था। एवरी मेंबर ऑफ द ट्राइब वॉज असाइंड ए टास्क, हर मेंबर्स को, जो भी इस ट्राइब का मेंबर होता था उन्हें अलग अलग टास्क दिए जाते थे। लाइक कुछ पीपल्स ऐसे होते थे जिनको मेकिंग टूल्स का काम करना होता था और कुछ पीपल्स ऐसे होते थे जिनको शिकार का काम दिया जाता था। इसी तरह से अलग अलग कैटेगरीज के वर्क डिवाइड किए जाते थे ट्राइबल्स पीपल्स में। पीपल एक्सचेंज देयर सरप्लस, उस समय पर क्योंकि मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो पीपल्स जो होते थे वो अपने सामान की जरूरतों को पूरा करने के लिए बार्टर सिस्टम, मीन्स सामान से सामान का परिवर्तन, उसी को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, इसको यूटिलाइज करते थे। मीन्स एक पदार्थ के बदले दूसरा पदार्थ ले लेना, जैसे आपने फसल उगाई क्रॉप के बदले आपने कपड़े ले लिए या बर्तन ले लिए, इस तरह से एक्सचेंज किया जाता था और उसी को हम बार्टर सिस्टम के नाम से जानते थे। कैलोलैथिक एज, यूज ऑफ मेटल, वह एज जिसमें धातु का निर्माण हुआ। ग्रेजुअली द अर्ली ह्यूमंस बिगेन टू यूज कॉपर, सबसे पहले माना जाता है कि उन्होंने कॉपर धातु का यूज किया था स्टोन टूल्स के स्थान पर, मीन्स उन्होंने स्टोन टूल्स में कॉपर को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया था। और यह घटना कब घटी, माना जाता है कि यह घटना घटी थी 6000 ईयर्स पहले, और इसी काल को हम कैल्कुलैथिक एज के रूप में जानते हैं, इसी को हम कॉपर स्टोन एज भी कहते हैं। Starting from 4000 to 2000 BCE, copper come into use
धीरे धीरे जो कॉपर का निर्माण था वो यूज होना शुरू हुआ और वाज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू स्टोन। ऐसा माना जाता है कि जो कॉपर का यूटिलाइजेशन था उसके कारण जो स्टोन टूल्स थी वो बहुत अधिक स्ट्रॉन्गर होती चली गई थी। दिस कैलोलिथिक एज इज इम्पोर्टेंट सेंस इट मार्क्स द शिफ्ट फ्रॉम द यूज ऑफ स्टोन्स टू मेटल्स। इस कारण से इस एज को प्रमुख माना जाता है क्योंकि इस एज में जो शिफ्ट था स्टोन्स का वो परिवर्तित हो गया था मेटल्स के रूप में। मीन्स टूल्स बनाने के लिए अब स्टोन की जगह धातु का इस्तेमाल किया जाने लगा था। सो स्टूडेंट्स, नाउ आपने देखा किस तरह से धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को डेवलप करना शुरू किया था। यहाँ पर कुछ केस स्टडी दी गई हैं, एक प्लेस की मगरा। मगरा इज लोकेटेड इन ए फर्टाइल प्लेन्स। ये एक फर्टाइल प्लेन्स है नियर द बैलेंस प्लास ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान में सिचुएटेड है। इट प्रोवाइडेड एविडेंसेज ऑफ अर्लीस्ट एग्रीकल्चर। यहाँ से जो एविडेंसेज मिले हैं आर्कोलॉजिस्ट को वो प्रारंभिक खेती के बारे में है, कम्युनिटीज के बारे में है इन साउथ एशिया। यह सबसे प्रमुख ओल्डेस्ट प्लेस के रूप में जाना जाता है न्यूलिथिक साइट्स के रूप में। यहाँ पर बोन्स, एनिमल्स बोन्स भी प्राप्त हुई हैं जो खुदाई के रूप में मिले हुए प्रमाण से हमें प्रमाण के रूप में जानी जाती हैं। यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाउसेस आल्सो फाउंड। खुदाई में कुछ हाउसेस के अवशेष मिले हैं जो रेक्टेंगुलर शेप में बने हुए थे मगर प्लेस पर। ईच हाउस कंसिस्ट फोर और मोर कंपार्टमेंट। हर हाउस में फोर या उससे ज्यादा कंपार्टमेंट्स थे। सम सेक्शंस में हैव ऑल्सो, इसमें जो कुछ सेक्शंस ऐसे थे जहाँ पर स्टोरेज के लिए प्लेस बनाए गए थे। मीन्स वहाँ पर वो अपने ग्रेन्स आदि को स्टोर किया करते थे। यहाँ पर कुछ बुरियल साइट्स भी हैं जहाँ पर वो अपने मरे हुए पूर्वजों को दफनाते थे। मैटीरियल्स रिमेन्स ऑफ स्टोन एज। यहाँ पर धातु मटेरियल्स भी प्राप्त हुए हैं खुदाई के रूप में। जहाँ पर साइट्स हैं आपकी दिबेंगरी, मिजगरी, सेल्सबरी एंड रोंगरम एलिग्री। इन मिजोरम एंड मणिपुर आल्सो रिमेन्स ऑफ स्टोन टूल्स। मिजोरम और मणिपुर में भी स्टोन टूल्स के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट साइट इज डैजोली हैडिंग इन आसाम। आसाम में स्थित डैजोली हैडिंग है, इसको भी एक इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स के रूप में जाना जाता है। पेस्टल्स एंड मॉर्टल्स, यहाँ पर टूल्स के अवशेष मिले हैं जो न्यूलिथिक एज की टूल्स थी। पेस्टल्स एंड मॉर्टल्स, इनके अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। दीज फाइंडिंग पॉइंट्स टूवर्ड्स द प्रोबेबिलिटी दैट पीपल्स वर ग्रोइंग ग्रेन्स। इससे बताया जाता है कि यहाँ के जो लोग थे उनको संभावना उत्पन्न हुई थी ग्रोइंग ग्रेन्स की, और इस ग्रेन्स को वो प्रॉपर प्रिपेयर फूड, इनसे वो अपना फूड प्रिपेयर करते थे। टूल्स मेड ऑफ फॉसिल्स वुड्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड हियर। यहाँ पर फॉसिल वुड से बनी हुई टूल्स के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, और जेंटाइन विच मोस्ट प्रोबेबली वाज ब्रॉट फ्रॉम चाइना। और ऐसा माना जाता है कि इस टाइप के जो स्टोन टूल्स थे वो चाइना से प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर एक फैक्ट है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस न्यूलिथिक साइट वाज कैटल ह्योक इन टर्की। टर्की में भी एक कैटल ह्योक नाम की फेमस न्यूलिथिक साइट है। इट वॉज ए केयरफुली प्लान्ड टाउन। यह एक टाउन था जिसको प्लान किया गया था। एंड ब्रॉड फ्रॉम फार अवेज लैंड्स सच एज शेल्स फ्रॉम मेडिटेरियन सीज एंड कार्वेज फ्रॉम रेड सी सो ऑन। यह एक फैक्ट के रूप में यहाँ पर शो किया गया है। नाउ स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड हियर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बुक वर्क एंड बुक वर्क ऑल्सो। ओके, नाउ रीड दिस चैप्टर विद दिस वीडियो very carefully. Thank you.